एक ऐतिहासिक शहर जहां परंपरा इसकी हवा में है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह शहर अपनी संस्कृति और अपनी धार्मिकता के लिए जाना जाता है। भारत का यह खूबसूरत शहर हर रोज भक्तों की मधुर मंदिर की घंटियों और प्रार्थना मंत्रों के साथ जागता है। 26 जनवरी 2001 भारत का 52वां गणतंत्र दिवस। इस दिन की शुरुआत लोगों द्वारा भगवान की पूजा करने, स्कूलों में ध्वजारोहण करने वाले छात्रों और सभी के चेहरों पर मुस्कान के साथ हुई थी। कोई नहीं जानता था कि यह दिन 1,02,637 लोगों के रोने के साथ समाप्त होने वाला था। सुबह 8:46 पर लोग जब चाय पी रहे थे, बच्चे जब स्कूलों में गए थे, तभी एक 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 22 सेकंड के लिए आकर पूरा शहर तबाह कर गया। 1,000 people feared dead as a huge earthquake shakes the Indian subcontinent. भुज में भूकंप के बाद जो तबाही हुई, उसमें कितने लोग मारे गए, इस पर अब भी अटकलों का दौर जारी है। Earthquake in India has made headlines around the world, both for the more than 12,000 people who lost their lives. इस बीच मलबे में दबी लाशों के सड़ने से इन इलाकों में महामारी फैलने की आशंका जोर पकड़ने लगी है। रख दिया कोई डेड बॉडी, कोई जिंदा, पूरा गिर गया था, कुछ भी नहीं बचा था। 5 सुबह को मेरे पास आए और उसने बोला कि अब आपको पीछे आके आना है। पूरे शहर का सर्वेक्षण करने के बाद और अनगिनत लोगों से मिलने के बाद हम समझ गए थे कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के पास उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर अपनी एक कहानी है। हम ऐसी ही और कहानियों और अनुभवों की तलाश में थे और यही भुज में रहने वाले राजेंद्र गौर और उनकी पत्नी प्रीति गौर से मिले। इस दुखद घटना के बीच राजेंद्र गौर ने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। 26 जनवरी 2001 को सुबह 8:45 पर भूकंप आया। उस टाइम तो हम लोग घर पे ही थे, मेरे फादर दर्शन करने के लिए बाहर निकले थे। वो दर्शन करके वापस घर पे आ रहे थे तो यहाँ पे जो गली में आए, तब हमारे बाजू में जो एक अपार्टमेंट था वो पूरे पूरा गिर गया, वो उसके नीचे आ गए। तो हम तो इधर घर पे ही थे कि भूकंप पूरा हुआ बाद उसके बाद हम नीचे उतरे और फिर तपास किया तो कहीं पे उनका पता नहीं मिला। फिर हम पूरा दिन इधर ही खड़े रहे। फिर 3 के बाद जब ब्रिटेन से सब वो लोग आए थे सामान लेके, उन्होंने जब तपास किया तब और JCB से सब उसका हटाया सब मलवा, तब उसके नीचे से उनका डेड बॉडी गिरा। और परिवार के अनुभव जानने के बाद हम एक ऐसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने हिम्मत और हौसले की एक मिसाल कायम की थी। और मेरे हस्बैंड है वो ऊपर गए थे टेरेस पे, वो पानी का वाल्व होता है वो चालू करता है बंद करता है रोज सुबह, वैसे करते थे। तो जैसे वो भूकंप आया तो वो लिफ्ट से नीचे उतरे और गेट के पास पहुंचे तो उसको पता चला कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको एग्जैक्टली पता नहीं था कि भूकंप भी है। फिर उसने सोचा कि कुछ हो रहा है, मैं देखूँ बाहर जाके ऐसे होके। फिर वो बाहर गया रोड पे, रोड पे गया तो मेरी ये बिल्डिंग थी पूरी 7 की, वो 1 मिनट में तो नीचे आ गई। कुसुम जी जो अपने घर पर ही थी, पूरी इमारत गिरने के बाद मलबे के नीचे फंस गई। उनका पूरा परिवार सिर्फ उनके सुरक्षित होने की दुआ कर सकता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं रात को सब शांति होती, रात को कुछ आवाज नहीं आती तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी रोज रात को और जोर जोर से पढ़ती थी कि किसी को भी मेरी आवाज सुनाई दे। तो मेरे पीछे वाले थे ना, उसने मेरी आवाज सुना, उसने बोला मेरे हस्बैंड को कि आपकी वाइफ है वो हनुमान चालीसा पढ़ रही रोज रात को। तो फिर उसने सुबह को आके मेरे को आवाज लगाई, उसने बोला कि कुसुम, मेरा नाम कुसुम है, उसका कुसुम कुसुम। तो मैंने बोला हाँ मैं सुन रही हूँ और मैं हॉल में हूँ। तो बोलता एग्जैक्टली कहाँ पे हो, तो मैंने बोला जहाँ पे मेरा TV है ना उसकी बाजू में ऐसे हूँ मैं। तो बोला ठीक है। फिर उसने मिलिट्री वाले को बताया सब कुछ मेरे कहने के, ये जीवित है और हमारे हॉल इधर है, उसने नक्शा बनाया पूरा हमारे घर का।
तो इधर से आप निकल सकते हो इसे। तो मिलिट्री वाले ने 9 बजे से स्टार्ट किया, 9 बजे पहले होल किया, होल करके लाइट टॉर्च से लाइट डाली और मेरे को पूछा कि आपको लाइट दिख रही है, तो मैंने बोला हाँ लाइट आती है मेरे पास। तो उसने बोला ठीक है अभी हम 5 मिनट में पहुँचते, ऐसे करके थोड़े थोड़े टनल बनाई उसने, टनल बना के थोड़े थोड़े वो मलबा था वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकालता था, और ऐसे करके करके 5 बजे सुबह को मेरे पास आए। और उसने बोला कि अब आपको पीछे आके आना है, आगे के तो जगह नहीं है उसे। तो मैं पीछे आके आके फिर मैंने को एक रूम से खींच लिया उस लोगों ने, अपने बोला अभी आप हाथ ऊंचा कर दो और मैं आपको खींच लूंगा। ठीक है, फिर हाथ ऊंचा करके उसने मेरे को बाहर तक खींच लिया, और मेरे पास तभी कपड़े तो नहीं थे ना, तो पता नहीं किसी ने मेरे को ऑरेंज कलर की साड़ी ऐसे पहना दी और मैं फिर बाहर निकल गई। और 3 दिन मेरे को पानी नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, पर मेरे भगवान है स्वामीनारायण भगवान, मैंने उसको प्रार्थना की कि मेरे को बहुत प्यास लगी, खाली मेरे को पानी पिला दो, खाना कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे चमत्कार हो गया, मेरे होठ ही गीले हो गए, पानी नहीं आया मेरे पास लेकिन होठ गीले हो गए। 3 दिन तक मेरे को प्यास ही नहीं लगी, पर जेल से बाहर निकली तो सबने पूछा पानी पीना है, मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब बोलते कॉफी पीना पहले, तो मैंने बोला अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोले 3 दिन तक कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो भी, मैंने बोला हाँ मेरे को नहीं चाहिए अभी। कुसुम सोनी जिन्होंने उस संकट के समय में एक योद्धा की तरह हिम्मत से परिस्थिति का सामना किया था, वो अब भी भुज में ही अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से रहती है। भुज में कई लोगों से मिलने के बाद हम जानते थे कि भूकंप कितना विनाशकारी था। अब भूकंप से हुई तबाही की सीमा जानने के लिए हम 50 किलोमीटर का रास्ता तय करके कच्छ जिले में स्थित एक गांव नानी विराणिया पहुंचे। यहां हम मिले पृथ्वीराज काला से जो इसी गांव में दुकान चलाते हैं। 26 जनवरी को 2001 में मैं मेरे घर पे था, दूसरे माले पे शेविंग कर रहा था और बाथरूम में ऐसा लगा कुछ, यहाँ पे क्या एयरफोर्स है तो कोई हवाई जहाज निकला होगा। बाद में एकदम हिलना चालू हुआ कंटिन्यू अर्थक्वेक, और मैं फिर घबरा गया, पहली बार देखा था। तो बाहर बालकनी से मैंने छलांग लगा दी, गिरा और पैर में मतलब चोट आई, दर्द होने लगा। हमारे पास वाले एक है हमारे पड़ोसी, फिर उनको उनके साथ में गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो पूरी गिर चुकी थी और सभी पेशेंट आपने जो अभी बताया जुबली ग्राउंड, ग्राउंड में सभी को मतलब ऐसे ही रख दिया, कोई डेड बॉडी कोई जिंदा, मतलब डेड बॉडी ज़्यादा थी, ट्रैक्टर से या ट्रॉली से ऐसे सब इकट्ठा करके रखा था। ये बस यही है, और काफ़ी बिल्डिंगें गिर चुकी थी, ये सब देखा मैंने। फिर मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे लगा है पैर में कुछ, क्योंकि डेड बॉडी भी इतनी थी, बाकी बिल्डिंगें बहुत गिरी। नहीं, हमारा जो एरिया है वो बाहर का है, बाकी जो ओरिजिनल जो भूज है वो पूरे फोर्ट के अंदर है, गढ़ जानते ना फोर्ट, तो उसके अंदर क्या था कि भाई कोई घर में रहे या बाहर जाए, बाहर जाए तो भी इतनी निकली कि दो साइकिल भी सामने सामने निकल ना सके, और घर में रहेंगे तो घर गिरेगा, और कुछ लोगों को ऐसा हुआ है खुद का घर नहीं गिरा था, बाजू वाले का घर गिरा था उसका घर मतलब गिर गया, ऐसी हालत थी मतलब। और पुराना भूज जो था एकदम मतलब पूरा ऐसा गली कुची जैसा आपके मुंबई में जो धारावी एरिया नहीं दिखा देता, हाँ बस ऐसा ही मेरा मतलब, ये मैं बोला जो फोर्ट के बाहर है, बाकी का जो डेवलपिंग हुआ जब बाहर का, इसलिए कोई मतलब 7 मीटर के रास्ते हैं तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई, और सभी जो बांध काम था मतलब भूज का बाहर का जो एरिया है उसमें नुकसान हुआ, अगर कोई आदमी मरे ना तो बिल्डिंग में 7 माले की या 6 माले की बिल्डिंगें बहुत गिर गई,
उस दिन ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से 10-12 बिल्डिंग तो हाँ गिर गई। बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मौत बिल्डिंग में हुई और ये पुराने फोर्ट वाले भुज में, बाकी हमें कुछ हुआ ही नहीं है सर। मैंने आपको बोला नहीं कि मैंने छलांग लगाई, पैर में दर्द हुआ, तब पता नहीं था कि पूरे सिटी में क्या हाल है, हॉस्पिटल गए। अब एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा मतलब ऐसा दबाव आ गया, 10-12 फुट से छलांग लगाते हैं तो, और किसी की डेड बॉडी देख लो, ये सब ऐसा सीन देख लो कि कोई बहुत सारे मरे पड़े हैं और कोई इंजर पड़े हैं, तो ये तो फिर ऐसे ही सोलो सिटी में अंजार को। अंजार में उस दिन 26 जनवरी थी, स्कूल में छुट्टी थी लेकिन रैली थी ये प्रजासत्ताक दिन की, तो अंजार सिटी भी ऐसा ही है, तो मतलब एकदम गली कुची छोटी छोटी गलियां, तो उसमें रैली में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद 400-500 ऐसा कुछ है बच्चे इसमें मर गए थे। और ऐसा सभी बोल रहे थे, तब तो मैं छोटा था, 20 साल का था, बाकी कई ने बोला था कि भाई रात को गाय कुत्ते बहुत कुत्ते बहुत भौंक रहे थे और गाय एकदम भड़क रही थी, ऐसा हुआ था। अर्थक्वेक 2001 में आया, उसके बाद पूरे 10 साल तक मतलब 2011 तक बारिश सभी साल हुए अच्छी ऑल ओवर, मतलब कुदरत कुछ मारता है तो कुछ देता भी है। गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, मतलब आफ्टर शॉक जैसे, वैसे मतलब छोटा छोटा है कि भाई बैठे हैं घर में तो कोई बर्तन की आवाज़ आती है बस, तो पता चलता है कि भाई आफ्टर शॉक को जैसे कुछ आया। वहाँ पे बहुत चला और अर्थक्वेक आया एक्चुअली कच्छ में एकदम ज़ोरदार से, और उसके बाद भी 3-4 साल तक तो ये अभी भी 20 साल बाद भी अभी आफ्टर शॉक तो आते रहते हैं। पृथ्वीराज जी से हमें ये पता चला कि उनके गांव में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, पर भुज पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। किसी ने अपने माता पिता को खोया था तो किसी ने अपने बच्चों को। भूकंप के उन चंद पलों ने पूरे परिवार खत्म किए थे। इस मुश्किल वक्त में गुजरात की सरकार ने लोगों को हौसला दिया और कुछ ही दिनों में देखते ही देखते भुज वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इस घटना को संबोधित किया था। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। काफी कहानियां हमारे पास थी। भुज वाकई में एक अद्भुत शहर है और इसे अद्भुत बनाते हैं यहाँ के लोग।